बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा मॉन्टेसरी एक्सपीरियंस। मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में मैप्स का फाइल। तो अगर आप मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मैंने वो भी बताया था उसका बेनिफिट। अगर नहीं तो मैं दूसरे वीडियो में भी शेयर कर दूंगी आपको। और वो मेरा पहला वीडियो था जिसमें मैंने मैथ्स का फाइल दिखाया था। अगर आप लोग मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको ये वीडियो और वो मैथ्स फाइल का वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा। सो अभी आज मैं आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट फाइल के बारे में सारा बताऊंगी कि आप लोग को कैसे करना है, कैसे उसे बनाना है, क्या क्या टिप्स ध्यान में रखने हैं। तो गाइज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मेरा अल्फाबेट फाइल है और आप इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। ये इसका कवर फाइल है और मैंने ये स्टिकर्स वगैरह यूज़ करके इसे डेकोरेट किए हैं। आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं या आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, सिर्फ उस पर हेडिंग होना चाहिए अल्फ़ाबेट फाइल। और ये कवर है जो मुझे लगता है 40 या 20 रुपीज़ के आए थे, मुझे याद नहीं है, अब काफ़ी दिन हो गया। तो उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन पेज है जिसमें आपको अपना नाम लिखना है। एंड देन हेयर इज़ द कॉन्टेंट्स। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जिसके ऊपर आपको डेकोरेट करके, एक्चुअली आपको जितना डेकोरेशन इस चीज़ में दोगे तो बच्चे उतने ज़्यादा अच्छे से उन्हें रियल वो चीज़ लगेगा और वो पढ़ने में ज़्यादा उनको मज़ा आएगा, सीखने में मज़ा आएगा। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर हमें अल्फ़ाबेट फाइल, अल्फ़ाबेट का ये पूरा फाइल बनाना है। तो ये मैंने सैंड पेपर यूज़ किया हुआ है, सैंड पेपर को आप कटिंग करना है। और ये यूज़ करने का ये रीज़न है कि बच्चों को दो सेंसिटाइजिंग फिंगर को यूज़ करके वो इस तरह से पैटर्न सीखते हैं किसी भी लेटर का। सो आप देख सकते हो ये दो, ये मॉन्टेसरी में ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। सो इनके तीन फिगर्स पिक्चर्स बनाते हैं इन लेटर से यूज़ करके। जैसे मैंने ए के बनाया है, बी का सेम बनाया है, बी फॉर बैट, बैग एंड बलून, सी फॉर कप, केक। तो आपको इसी तरह से अपर केस एंड लोअर केस दोनों बनाना है। ये सैंड पेपर के पीछे आपको उल्टा मीन्स मिरर इमेज यूज़ करके आपको बनाना है। देन ये सामने से फिर ये इस तरह से लुक आएगा। तो ये सैंड पेपर यूज़ करके हमें बनाया जाता है। सैंड पेपर आपको 3 या 2 रुपए के करके कुछ मिलते हैं। और पिक्चर्स हमने मैंने बनाए हुए हैं, ये सब पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा था, बट ठीक है करना है तो ये सब चीज़ हैं। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे मैं आप पिक्चर ड्रॉ करके भी स्केच कर सकते हो या कुछ भी जो आपको प्रेफर लगे, जो सुंदर लगे, मतलब अट्रैक्ट हो बच्चे, क्योंकि बच्चे कलरफुल चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है उन्हें अपने में। तो आप जितना कलरफुल, जितना खूबसूरत रखोगे बच्चे को मज़ा ही आएगा। तो ये है मेरा अल्फ़ाबेट का, जितने लेटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड। तो आपको एक ध्यान रखना है कि आप फोनिक सिर्फ यूज़ कर सकते हो वर्ड, ओके ना। अब आते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट विथ डायरेक्शन, मीन्स ये चीज़ बच्चों को सिखाया जाता है सबसे पहले कि ए आपको किस कैसे ड्रॉ करना है, बी कैसे ड्रॉ करना है। ये हमें भी सीखना पड़ता है क्योंकि एज ए टीचर हमें सेम चीज़ बच्चों को भी सिखाना है, बताना है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है पैटर्न्स। ये बच्चों को मुझे लगता है प्ले ग्रुप से लेके नर्सरी तक बताया जाता है, स्टैंडिंग लाइन, व्हाट इज़ स्लैंटिंग लाइन एंड व्हाट इज़ द स्पाइरल लाइन, व्हाट इज़ द कर्विंग लाइन एंड द ज़िगज़ैग लाइन। ये सब चीज़ बताया जाता है जिसे यूज़ करके वो लेटर्स में सीख सकते हैं। अब आता है मैच द कैपिटल लेटर टू द स्मॉल लेटर। तो जो भी कॉन्टेंट्स हैं वो हमें यूज़ करके इस तरीके से बनाने हैं। आप चाहो तो मैं एक चीज़ कह रही हूँ कि आप अपने बच्चे के, जैसे हम लोग मार्केट से बहुत सारा खरीदते हैं तो आप बच्चों को एक्टिविटी बुक, तो आप खुद इस तरह से बनाकर आप यूज़ कर सकते हो और बच्चों को बोलो कि मैच द लेटर टू द ऑब्जेक्ट, मैच ऑब्जेक्ट टू द लेटर्स, मतलब इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे आता है टू लेट सेम साउंड, सर्कल द सेम साउंड, मीन्स जैसे ई एन है और इसके नीचे बहुत सारे लेटर वर्ड्स हैं बस जिसे हमें उन्हें सर्कल करना है जो उस साउंड से रिलेट करते हैं। ओ टू है तो डॉट, गॉट, हॉट एंड सो ऑन। हेयर इज द टू लेटर वर्ड्स एंड थ्री लेटर वर्ड्स, जो मुझे लगता है अपर के जी में सिखाया जाता है, शायद मुझे उतना नहीं ध्यान है। देन रीअरेंज द वर्ड्स, ये भी अपर के जी में ही सिखाए जाते हैं बच्चों को, मीन्स पिक्चर दिया एंड देन रीअरेंज, जंबल करना है वर्ड, लेटर जंबल रहेंगे उनको वर्ड्स बनाना है। हेयर इज द सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स दे पिक्चर अगर सन का है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा। तो इससे बच्चे को एकदम होता है ना एब्जॉर्बमेंट माइंड, मतलब बच्चों का जो एब्जॉर्बमेंट माइंड है वो इन सब चीज़ों को यूज़ करके
पूरे मतलब कहते हैं ना कंक्रीट बना देना है दिमाग को, तो वो सब यूज़ करके हुआ जाता है। नाउ दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स, इन नर्सरी के भी बच्चे कर सकते हैं। एंड हियर्स कम द फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइमिंग वर्ड्स, मीन्स आपको एक पिक्चर दिया जाएगा और उससे ही रिलेटेड राइमिंग वर्ड्स आपको बनाना है। ये अपर के जी और वन के बच्चों के लिए हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है द जग, द बग ऑन द मग, द जग ऑन द मग एंड द रग एंड सो ऑन। सो द हियर इज द अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स में आपको बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है आप जैसे आपको ऑब्जेक्ट लेना है और फिर उससे रिलेटेड करके बताना है। हियर इज द वोवेल्स एंड ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग विद वोवेल्स, यहाँ पे बस सिंपली उन्हें बताया गया है कि ये वोवेल के लेटर्स होते हैं और उनका यू नो प्रोनाउंसिएशन आपको मीन्स आपको बहुत खूबसूरत सा ड्रॉ करना है। जरूरी नहीं है कि आप गूगल पे भी सर्च करो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे, वहाँ से भी आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। ये मैंने बनाया है ABC सॉन्ग, जो मैंने बोला जो हमें कंटेंट में दिया जाता है उसी से रिलेटेड हमें बनाना है। अल्फ़ाबेट सॉन्ग बनाना है जो बच्चों को अच्छा लगे, जो उन्हें चाहते हैं। और ये मैंने अपनी बेटी के स्कूल का एक बुक था जो बहुत पुराना हो चुका था, वो यूज़ करके साइड में चिपकाया। नाउ हियर इज़ द डेज ऑफ द वीक, सो यू कैन यूज़ एनी यू नो टेम्पलेट वेयर यू कैन गेट फ्रॉम द गूगल। नाउ हियर इज़ द मंथ ऑफ द ईयर, मैंने इस तरीके से लेके ड्रॉ किया है और इस तरह से सुंदर से बनाया है। ये चीज़ पूरा पैटर्न आप यहाँ पे ये देखो, ये तो हेल्प द बर्ड टू द नेस्ट ये नर्सरी में होता है, चूँकि मेरी बेटी करती है इसलिए मुझे पता है। तो इस तरह के मैंने दो पिक्चर्स बनाए हैं, एक बर्ड्स का एंड देन एक बटरफ्लाई का। तो इससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो ये लास्ट में एक्नॉलेजमेंट लिखना आता है। तो आप इस तरह से आप एक फाइल बना के घर में भी यूज़ कर सकते हो, बच्चे इसमें काफ़ी पढ़ने में मज़ा आएगा उनको। सो ये मेरा अल्फ़ाबेट फाइल था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।